वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है संडे तो मैंने सोचा चलो आपके साथ मेरा संडे रूटीन शेयर किया जाए। तो सुबह उठ के तो सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक करती हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आफ्टर दैट मैंने अपना हेयर कॉम किया एंड आईज पे ये आई ड्रॉप डाला। कुछ दिन पहले मैं आई चेकअप करने गई थी तो डॉक्टर ने ये ड्रॉप दिया था आईज पे डालने के लिए। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं गई किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने। आज मैं एक बहुत ही इजी सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जो कि 5 मिनट में बन जाएगा। तो मैं बना रही हूँ दही चूड़ा। इसके लिए मैंने एक बोल में दही लिया, उसमें थोड़ा गुड़ ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। देन मैंने ये फ्लैटेंड राइस और पोहा यू कैन से इसे अच्छे से पानी से वॉश करके इसमें ऐड कर दिया। देन इसके ऊपर से मैंने एक बनाना डाला एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिया एंड बन गया हमारा सुपर इजी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर आपने कभी ये दही चूड़ा खाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ही फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट है, आपको काफी टाइम तक फुल रखेगा। ऑल्सो कर्ड इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। मेरे लिए संडे मीन्स सफाई का दिन। इस दिन मैं अपना ज्यादा शूट या एडिटिंग का काम नहीं रखती, अगर कोई डेडलाइन हो तो करना पड़ता है, नहीं तो मैं अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। सो आज मैं अपने ये ड्रॉयर्स को साफ करूंगी, बहुत दिनों से मैंने इन्हें साफ नहीं किया था। कैमरा पे तो आपको ये साफ सुथरा ही दिखेगा बट पास से देखो तो पता चलता है कि इसमें कितनी ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई है। तो मैंने ड्रॉयर्स को पहले पूरा खोला, सारी चीजें निकाली एंड देन साफ किया। नीचे के दो ड्रॉयर्स में मैं अपने स्नैक्स आइटम रखती हूँ ताकि जब रात को भूख लगे एडिटिंग करते वक्त तब खा सकूं। एनीवेज तो मैंने सारे ड्रॉयर्स को अच्छे से पानी से घिस घिस के साफ किया। साफ करने के बाद मैंने अपने सारे चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा। इन ड्रॉयर्स में मैं बहुत ही रैंडम चीजें रखती हूँ लाइक फोन एंड कैमरा चार्जर, स्ट्रेटनर, फेरी लाइट्स, कैंडल्स, ऐसे ही सब चीजें। मेरा ये वाला टेबल भी बहुत बिखरा पड़ा था तो मैंने इसे भी अच्छे से साफ किया। हर वीक मैं इस टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ बट पता नहीं कैसे ये 2-3 दिन के बाद फिर से ऐसे ही हो जाता है। अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने ये कॉर्नर स्टैंड को भी अच्छे से साफ किया। इसे मैं डेली क्लीन करती हूँ बिकॉज ज्यादातर ये मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो का बैकग्राउंड होता है तो क्लीन रखना जरूरी है। ये सब करने के बाद मैंने अपने रूम को अच्छे से झाड़ू लगाया एंड देन पोछा भी लगा दिया। उसके बाद मैं चली गई बाथरूम शावर लेने। सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करूंगी जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस स्मूथी फेस वॉश। इसमें है पपाया एंड विटामिन सी जो जेंटली मेरे स्किन को क्लेंस करता है विदाउट स्ट्रिपिंग नेचुरल ऑयल्स। इट हैज अ जेल बेस्ड फॉर्मूला एंड ऑल्सो इट इज वेरी लाइट वेट। आफ्टर दैट मैंने अपना हेयर वॉश किया बिकॉज इतनी सफाई की है आज तो मेरे हेयर्स डर्टी हो गए थे। देन शावर के बाद मैं ये एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस येलो मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। ये मेरे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करके उसे ब्राइटन भी करता है। इट इज नॉन स्टिकी, लाइट वेट एंड हैज ए जेल बेस्ड फॉर्मूला विच इज जस्ट परफेक्ट फॉर समर बिकॉज ये आपके स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता। एक्वालॉजिका के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ जो स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके उसे हाइड्रेट रखता है। एंड गाइज एक्वालॉजिका के सारे प्रोडक्ट्स वेगन, क्रुएल्टी फ्री एंड क्लीन होते हैं एंड ये नायका, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आप मेरा कूपन कोड 2023 यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा ऑन ecologica.in। प्रोडक्ट के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो आप डेफिनेटली चेक करना। समर्स के लिए ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। आफ्टर दैट मैंने लंच किया एंड बारिश भी शुरू हो गई थी। तब तक मौसम ऐसा हो गया था कि मुझे तो नींद आ गई तो मैं 1 घंटे के लिए सो गई। देन शाम को मैंने अपना ये जो इतने सारे पार्सल्स आए थे मिंत्रा एंड अर्बेनिक से उन्हें ट्राई करने का सोचा। इन सब पार्सल्स के अंदर टॉप्स एंड पैंट्स वगैरह हैं, ये बहुत दिनों से आए थे बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इन्हें ट्राई के देखने का, तो सोचा आज देखते हैं कैसा क्वालिटी का क्या आया है। सो फर्स्ट मैंने ये येलो कलर का रिप टॉप ऑर्डर किया था, ये मैंने स्मॉल साइज में लिया है एंड इसके नीचे जो ग्रीन कलर का पैंट मैंने पहना है ये मैंने लिया है अर्बेनिक से। इस टॉप की क्वालिटी काफी अच्छी है, आप इसे किसी भी शर्ट वगैरह के अंदर आराम से पहन सकते हैं एंड इसका प्राइस अंडर 200 था तो इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। ओके सो नेक्स्ट मैंने एक सिंपल ब्लैक कलर का टी शर्ट ऑर्डर किया है। ऐसे बिना किसी प्रिंट्स वाले टी शर्ट्स भी मुझे काफी पसंद है, इसे मैंने मीडियम साइज में मंगाया था ताकि ये मुझे थोड़ा लूज लूज हो। टी शर्ट्स वगैरह मुझे ऐसे ही लूज लूज काइंड ऑफ पहनना अच्छा लगता है।
नेक्स्ट मैंने ये पर्पल कलर का टॉप ऑर्डर किया है मिंत्रा से। इस टॉप का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा था, ऐसे वी स्टाइल नेक है इसका एंड पीछे से थोड़ा बैकलेस काइंड ऑफ है। कपड़े की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है एंड इसका प्राइस भी कम था, अराउंड 170 या 180 कुछ था। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी क्यूट एंड प्रिटी टॉप। नेक्स्ट मैंने मंगाया है एक ब्लैक कलर का टॉप, बटन स्टाइल टॉप है ये एंड स्लीवलेस है। इसका स्टाइल भी काफी यूनिक लगा मुझे, जीन्स के साथ पहनने पर अच्छा लगेगा ये टॉप आई थिंक। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से ये व्हाइट ट्राउजर्स, कॉटन मटेरियल का है ये एंड पहनकर भी काफी कंफर्टेबल फील हो रहा था। देन मैंने अर्बैनिक से एक ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स पैंट ऑर्डर किया था, क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे इसकी, मटेरियल काफी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है समर्स के लिए। इसे पहन के मैं आराम से अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हूँ एंड वर्क पे भी जा सकती हूँ। ये सब ट्राई करके देखने के बाद मैंने सारे टॉप्स एंड पैंट्स को फोल्ड करके मेरे वार्डरोब में रख दिया एंड फिर डिनर के लिए आज मैंने ऑर्डर किया दिस फार्म हाउस पिज्जा। बहुत दिनों से मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा चलो आज सेटिस्फाई कर देते हैं अपने क्रेविंग को। बर्गर और पिज्जा के बीच में अगर कोई मुझे चूज करने को बोले तो मैं तो ऑलवेज पिज्जा ही चूज करूंगी। बर्गर मुझे इतना पसंद नहीं है एंड जब भी मैं बर्गर खाती हूँ सब कुछ बहुत ही ज्यादा मैसी हो जाता है। आपको क्या पसंद है बर्गर और पिज्जा कमेंट करके जरूर बताना। ये वाला पिज्जा स्नेहा और मैंने दोनों ने मिलके खाया। स्नेहा को पिज्जा में ऑलिव बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उसने सारे ऑलिव मुझे दे दिए। डिनर करने के बाद मैंने थोड़ा स्किन केयर करने का सोचा, आज संडे भी था तो अच्छे से आराम से करूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये सेंटेड कैंडल्स जलाए ताकि मूड मेरा एकदम अच्छा हो जाए। देन सबसे पहले मैंने माइसेलर वाटर एंड कॉटन पैड यूज करके अपना मेकअप रिमूव किया। देन मुझे अपना फेस सेव करना था, बहुत दिनों से मैंने नहीं किया था तो मैंने सबसे पहले अपने फेस पर ये सेविंग बाम लगाया। फेस शेव करते वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप शेविंग बाम या फिर एलोवेरा जेल लगाकर ही शेव करें, इससे कट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड ऑलवेज रेजर को आप हल्के हाथों से ही पकड़ के शेव करें। शेव करने के बाद मैंने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश किया। यू कैन सी मेरा फेस कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है एंड अभी मैं यूज करूंगी ये नोज स्ट्रिप्स अपना ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए। तो नोज स्ट्रिप लगाने से पहले आप थोड़ा अपने नोज को गीला कर लें एंड देन स्ट्रिप को अप्लाई करके 10 मिनट तक रखें। सो 10 मिनट के बाद आई एम रिमूविंग दिस स्ट्रिप एंड यू कैन सी कितने सारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए मेरे। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई फेस मास्क। सो मैं ये फेस स्टिक वाला मास्क यूज कर रही हूँ, बहुत ही इजी है इसे यूज करना, बस खोलो एंड अप्लाई कर लो। इसे भी आपको 10 मिनट तक रखना है अपने फेस पर एंड देन वॉश कर देना है। सो नाउ आफ्टर वॉशिंग माई फेस मैंने अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। लिप्स पे मैंने ये वाटरमेलन वाला लिप बाम लगाया एंड दैट्स कंप्लीट माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। तो यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।